नमस्कार। करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग निवेशकों को ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने में मदद करते हैं। यह फॉरेन मार्केट में डील करने और इससे होने वाले लाभ के बारे में एक्सपोजर देता है। इस वीडियो में हम करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझेंगे। शुरुआत करने के लिए, करेंसी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मार्केट है, जहाँ $5 ट्रिलियन का ट्रेड डेली बेसिस पर किया जाता है। फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट फर्म, बैंक और फॉरेक्स ब्रोकर आदि शामिल हैं। करेंसी एक्सचेंज काउंटर पर जगह ले लेता है और मार्केट पूरे दिन और सप्ताह में 5.5 दिन खुला रहता है। अब यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट, जिस रेट पर एक सिंगल करेंसी का दूसरी करेंसी के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है, वह USD/CAD यानी अमेरिकी डॉलर और कैनेडियन डॉलर जैसे पेयर्स के रूप में मेंशन किया गया है। इन करेंसी पेयर्स की एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसकी सप्लाई और डिमांड से प्रभावित होती है। यहाँ करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए 3 तरीके हैं, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ब्रोकर के ढेर के साथ स्पॉट मार्केट में भारी बढ़त हुई है। आमतौर पर लोग स्पॉट मार्केट को रेफर करते हैं, जब करेंसी खरीदी और बेची जाती है। फॉरवर्ड और फ्यूचर बाजार उन कंपनियों के साथ ज्यादा पॉपुलर है जिन्हें अपने फॉरेन एक्सचेंजेस रिस्क को हेज करने की आवश्यकता है। OTC में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को करेंसी का फिजिकल एक्सपोजर होना आवश्यक है, लेकिन फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो बेसिकली करेंसी मार्केट में डीलिंग करने का लाभ यह है कि यह हाईली लिक्विड मार्केट है, जिसमें कोई भी कभी भी प्रवेश कर सकता है या बाहर निकल सकता है। एक ट्रेडर को जितनी चाहे उतनी मात्रा में ट्रेड करने की स्वतंत्रता है। साथ ही यह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। अगला कमोडिटी मार्केट है। यह कमोडिटीज की खरीदी और बिक्री होती है। यहाँ हार्ड कमोडिटीज हैं और यहाँ सॉफ्ट कमोडिटीज हैं। हाई कमोडिटीज वे हैं जिन्हें गोल्ड की तरह एक्सट्रैक्ट या माइनिंग करके निकालना पड़ता है। सॉफ्ट कमोडिटीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जैसे चीनी, गेहूं, कॉफी आदि। करेंसी की तरह ही कमोडिटी ट्रेडिंग को फ्यूचर मार्केट के साथ साथ स्पॉट मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है। स्पॉट मार्केट रियल टाइम प्राइसेस के साथ जुड़ा हुआ है। कमोडिटीज का ट्रेड भी फ्यूचर मार्केट में किया जा सकता है। यहाँ निवेशक फ्यूचर डेटा में कमोडिटी खरीदने और बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करते हैं। कमोडिटीज में डील करने के सबसे पॉपुलर तरीके कमोडिटी फ्यूचर्स, ETF और म्यूचुअल फंड हैं। ये बेसिकली कमोडिटीज में डीलिंग करने की मॉडर्न मेथड है, जिसमें निवेशकों को पारंपरिक रूप से खरीदने और बेचने के लिए कमोडिटीज की जरूरत नहीं होती है, बल्कि रिस्पेक्टिव ETF या उन कंपनियों के म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए होती है जिनके पास अंडरलाइंग एसेट कमोडिटीज के रूप में होते हैं। ये मार्केट इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइंग एसेट के प्रदर्शन पर काम करते हैं, जो या तो सिंगल कमोडिटी या कमोडिटीज का ग्रुप हो सकता है। करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग दोनों में ग्लोबल मार्केट की बहुत अच्छी जानकारी की आवश्यकता होती है, और यह निवेशकों की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे प्रभावित करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.